सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल गवर्नमेंट ने अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी। क्या क्या गाइस गाइडलाइन के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल रीओपन को लेकर, कोचिंग को लेकर क्या क्या जानकारी है इस बार गाइडलाइन के अंदर, सारा कुछ गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा। बट गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक ऐप यहाँ बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, डाउट नट। अगर गाइस आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो गाइस सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइस, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक आईआईटी जी मेंस एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। और गाइस, आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइस, अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइस, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, जो कल अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन आई है, उसमें गाइस देखो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गाइस उन्होंने इनडायरेक्टली हाँ करके ना भी कर दी है। गाइस देखो, अनलॉक 5.0 की जो गाइडलाइन है उसके अंदर ये लिखा है कि 15 अक्टूबर से स्कूल रीओपन हो सकते हैं, लेकिन जो स्कूल रीओपन करने का डिसीजन है, कॉलेज रीओपन करने का डिसीजन है, कोचिंग रीओपन करने का डिसीजन है, वो पूरा डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के हाथ में है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो स्कूल रीओपन हो गए, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो कॉलेजेस है वो रीओपन हो गए। और अभी मेरे को जितना पता है कि कोई भी स्टेट के अंदर ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है कि स्कूल्स को खोला जाए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से हाँ भी कर दी, एक तरीके से ना भी कर दी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ स्टेट जैसे बिहार है, यूपी है और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि स्कूल्स को रीओपन किया जाएगा 15 अक्टूबर से। देखो गाइस, क्या होता है, अभी तक वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी नहीं कहा कि स्कूल्स को खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। दूसरी बात गाइस, एक बात और उन्होंने बोली है कि जैसे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि स्कूल में आना ज़रूरी है। मतलब कई लोग स्कूल्स कहते हैं कि आपको अटेंडेंस के लिए स्कूल में आना ज़रूरी है, तो ऐसा कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तीसरी बात कि स्कूल जैसे खुलेंगे तो उन्हीं स्टेट्स में खुलेंगे या फिर उन्हीं स्कूल्स, जो स्कूल्स खोले जाएंगे वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उन्होंने ये बात भी बोली है। बस यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी उन्होंने इनडायरेक्टली मना ही कर दिया है कि स्कूल्स खोल तो सकते हो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होगी तब। और गाइज, थोड़ी बहुत और गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो गाइज आपको पता है जैसे सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल वगैरह 50%, मतलब जितनी वहाँ पर ऑडियंस आती थी उसकी आधी ऑडियंस आ सकती, मतलब 50% कट ऑफ के साथ में एसओपीज वगैरह जो दी गई गाइडलाइन उनको फॉलो करके सिनेमा हॉल वगैरह को खोला जाएगा। और गाइज मैरिज फंक्शन वगैरह के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल आते थे उनको बढ़ा दिया, पहले नंबर ऑफ पीपल होते थे अप्रॉक्सीमेटली 150, अब 200 कर दिए नंबर ऑफ पीपल्स को, मतलब थोड़े बहुत से इनको चेंजेस किए हैं। बाकी गाइज सारी गाइडलाइन सेम ही है, आप सभी को घर पे ही रहना, मतलब जितना हो सके घर पे रहो, मास्क वगैरह पहनो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ धोते रहो, मतलब इस सारी चीज़ों को फॉलो करना। तो गाइज ये तो बात होगी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन की। स्कूल्स खोलने को अभी तक कोई भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना गया है, सिर्फ कहा गया एक तरीके हाँ और ना दोनों करी गई है। तो गाइज आप सभी को उम्मीद है कि अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन समझ आ गई होगी। अगर गाइज गाइडलाइन को लेकर कोई भी आपको डाउट हो फ्रीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, हमने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज से मेरे घर पर रहो। और गाइज अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, हमने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज मेरे घर पर रहो, सेफ रहो।